अलवर में कहीं तो पीने को पानी उपलब्ध नहीं और कहीं पानी मिला तो वो भी ऐसा दूषित जिससे पूरा मोहल्ला बीमार हो गया। यह कोई मामूली बात नहीं कि गली मोहल्ले में चल रहे सीवर लाइन के काम की वजह से गंदे पानी की शिकायत करने के बावजूद उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। यह मामला है अलवर के अखेपुरा मोहल्ले के वार्ड नंबर 16 और 23 का, जिसमें दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए, लेकिन प्रशासन को कोई खबर नहीं। पीड़ितों का कहना है कि गंदे पानी आने की शिकायत कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। बाबूजी गंदा पानी आ रहा है? बिल्कुल बाबूजी गंदा पानी है, मैं बीमार हो गया, एक महीना हो गया मुझे ज्यादा। डॉक्टर साहब का इलाज चल रहा है? ऐसा है, गोली लाता हूँ मैं मेडिकल से ही। हाँ दवाई लाते हो? हाँ दवाई खाते हो? हाँ। आराम है? नहीं है आराम का, देख लो एक महीना से मेरी गंदा पानी पिया है ये। आप मेरी हालत देख लो। नहीं ये गंदा पानी पिया है आपने? हाँ। इससे बीमार हो गया? और क्या। तो अधिकारी वगैरह कोई नहीं सुनाई करता? अरे साहब कोई बोले ही ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरी सिंह। कौन सी जगह है? यही जगह है। गंदा पानी? दो महीना हो जाया को तो पानी गंदा आता। अब आपने पिया ये पानी? हाँ। बीमार हो रहे हो? बीमार हो रहे, बुखार भी छड़ा है, पेट में दर्द चल रही है। डॉक्टर को दिखाया? प्राइवेट गोली मंगा लो और खा लो पड़ी रहो। तो तबीयत ज्यादा बिगड़ी? हाँ ज्यादा, कई दिन से हो रही तबीयत तो ज्यादा खराब। ये हो गए 3-4 दिन हो गए। कोई आया या अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। कोई जिला कलेक्टर आया है? नहीं सर कोई भी नहीं आया। वाटर ऑफिसर भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया? नहीं, पीछे अभी नाली फूटी पड़ी है, उसमें नाली का पानी आ रहा है। अभी उनसे बोला हमने ठेकेदार से। तो ये क्या, तो ये क्या गंदा पानी कब से आ रहा है? ये गंदा पानी तो 10-15 दिन हो गए इस पार। इसी पानी को पीकर गुजारा कर रहे हो? हाँ, तो उबाल कर ही पीना पड़ रहा है सर। नहीं घर में आर वारो कुछ है नहीं। बच्चे वगैरह को पिला दिए? सब यही पिलाएंगे पानी का। पानी है नहाने को नहीं है, बीच में गंदा पानी पिला दिया बच्चे को। हाँ जी। थोड़ी देर बात करता हूँ भाई। तो डॉक्टर ने क्या कहा बीमार के लिए? क्या कहा? इसको पानी पिलाओ साफ उबाल कर, और ये ORS के पैकेट वगैरह दिए हैं इसको। इस मामले में जब CMHO को सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि टीम को भेज कर जाँच करवाते हैं। अभी मुझे कुछ मीडिया कर्मियों से, ये मोहल्ले के लोग आए, इनसे पता चला है कि वहाँ वार्ड 21 और 23 के अंदर कुछ बच्चे दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं। तो हम अभी वहाँ अपनी टीम भेज करके चेक करवा लेंगे। यदि वहाँ कोई बच्चे बीमार हैं तो उनका उपचार हम करवाएंगे। बाकी जहाँ तक दूषित पानी का और वहाँ के आसपास की गंदगी का सवाल है, वो आप जो है मोहल्लेवासियों से भी मैंने निवेदन किया है कि उसके लिए वो नगर परिषद में और वहाँ के जो दूषित पानी सप्लाई जिस PSG से हो रहा है वहाँ के विभाग से संपर्क करें। किस तरह की बीमारी हो जाती है? पानी से जनित जो भी रोग होते हैं वो दूषित पानी से हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, पीलिया हो सकता है। अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 21 और 23 में दूषित पानी पीने से मोहल्ले वासियों के बीमार होने की खबर STV न्यूज ने इसे गंभीरता से लिया और CMHO को स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद मेडिकल की पूरी टीम अखेपुरा क्षेत्र पहुंची और हर घर में बीमार लोगों की जांच की। इस दौरान अनेक लोग बुखार से पीड़ित नजर आए। CMHO ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी मदद तो हम करेंगे, लेकिन सीवर लाइन और गंदे पानी की शिकायत नगर परिषद और जलदाय विभाग को करनी होगी। जांच करने गए दल में डिप्टी CMHO डॉक्टर छब्बील कुमार भी शामिल रहे। जैसे कि हमारे समाज सेवी ने यहाँ पर शिकायत की थी कि हमारे यहाँ पर कोई दूषित पानी पीने से बीमार हो रहे हैं लोग बार, लेकिन हमने हमारी टीम ने, मैं डॉक्टर सहित उपस्थित होकर हमने यहाँ पर सर्वे किया। सर्वे के दौरान केवल हमें 3 मरीज मिले और तीनों मरीज ही मतलब कि दूषित पानी से नहीं होकर कोई दूसरी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें से 2 बच्चे तो नॉर्मल ही हैं। जैसे कि उन्होंने अभी गंदा पानी पिया और उन्होंने कहा मेरे सूजन आ रही है पूरे शरीर में, तो आपने गंदा पानी पीने से सूजन नहीं आती है। अलग उसके जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं अपने लूज मोशन, उल्टी, दस्त, फीवर वगैरह होता है, तो सूजन वगैरह आ रही तो उसमें कोई दूसरे रीजन्स होंगे और उसका तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। उस बंदे की कोई पूरा पहले बीमारी है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है गंदे पानी से हमारे को। हाँ वो कह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हमारा ऐसा हो रहा है, लेकिन ये पहले की ही बीमारियाँ हैं जो कंटिन्यू चल रही हैं। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा जो दिखाया आपने 2 साल का, 1.5 साल का सचिन नाम का जो है, और दूसरा जो हमने एक बाबा देखा था वो ओल्ड एज के हिसाब से ही उसमें वीकनेस वगैरह, एक जो परेशानी आ रही है वो वीकनेस की वजह से आ रही है।